वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 15 नवंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने अपने राजनयिक संबंध नेपाल से बंद करने की घोषणा की है? तो उत्तर कोरिया ने साथियों अपने राजनयिक संबंध को नेपाल से बंद करने की घोषणा की है। अब उत्तर कोरिया साथियों तो 38वीं समांतर रेखा जो आपका है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। डुरंड रेखा जो आपका है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा साथियों नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है साथियों? वॉन है नॉर्थ कोरिया की करेंसी। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? योन सुक योल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन साथियों, साउथ कोरिया की करेंसी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहां आयोजित एयर शो में इंडियन एयरफोर्स के दल को शामिल किया गया है? तो दुबई में आयोजित एयर शो में साथियों इंडियन एयरफोर्स का शामिल किया गया है। साथियों दुबई जो है ये यूएई का शहर है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। यहाँ की करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और यूएई के प्राइम मिनिस्टर कौन है साथियों? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तमून है यूएई के प्राइम मिनिस्टर साथियों। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी यूएई में हो रही है। अल मिनहाद शहर साथियों यूएई का एक शहर था अल मिनहाद, जिसका नया नाम कर दिया गया हिंद शहर। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो दुबई में हुआ साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, मेरा बिल मेरा अधिकार साथियों, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो याद रखना हरियाणा ने शुरू किया साथियों। किसने शुरू किया है? हरियाणा ने। अब हरियाणा ने शुरू किया है तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर साथियों, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है साथियों। हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में साथियों। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है जो हरियाणा में होता है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण, खापरवास वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पर है? हरियाणा में। दालमा साथियों, दालमा झील जो आपका ये हरियाणा में है और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण हरियाणा में है। सौरिहंद परियोजना साथियों सतलज नदी पर हरियाणा में है, और रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है, और सौरिहंद हरियाणा में सतलज नदी पर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? करनाल में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो हिसार में है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने का फैसला किया है साथियों? तो ब्रिटेन ने भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करने का फैसला किया है। अब ब्रिटेन साथियों, ब्रिटेन का ही नाम है यूनाइटेड किंगडम। इसकी राजधानी क्या है? लंदन है। इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। इसके प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो लंदन में है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और किस देश ने सीमा पर अपराधों से निपटने के लिए समझौता किया है साथियों? तो भारत और नेपाल ने क्या किया है? तो सीमा पर अपराधों से निपटने के लिए 7 समझौता किया है। अब नेपाल ने किया है तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपालीज रुपीज। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल नेपाल के प्रेसिडेंट है। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड साथियों। अगला प्रश्न है, नेचुरल ज्योग्राफी के रिपोर्ट के अनुसार 2024 में घूमने के लिए कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ स्थान पर साथियों है? तो सिक्किम साथियों। नेचुरल ज्योग्राफी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में घूमने के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य माना गया है साथियों, किसको माना गया है? सिक्किम को। अब सिक्किम को माना गया है तो सिक्किम से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग।
सिक्किम में राज्यसभा एक है और लोकसभा एक है साथियों। सिक्किम जो साथियों है यह पहले एक देश था और यहां पर चोंगयाल वंश का शासन था। साथियों सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिक्किम भारत का सह राज्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। और साथियों सिक्किम भारत का राज्य कब बना, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं साथियों, सिक्किम भारत का सह राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। और यह भारत का राज्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा बना, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा साथियों। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को साथियों। मेमन वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में है, पंगलाखा वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम में साथियों। मेमन, पंगलाखा और कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम के मूल निवासी लेपचा और भुटिया है। सिक्किम साथियों इसे बोला गया है पर्यटकों का स्वर्ग। पर्यटकों का स्वर्ग किसे बोला गया, सिक्किम को बोला गया है। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, दसवां साहित्य कलिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दसवां साहित्य कलिंग महोत्सव का आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में साथियों। कहाँ किया गया, भुवनेश्वर में। ओडिशा का एक शहर है भुवनेश्वर और ओडिशा की कैपिटल भी भुवनेश्वर है साथियों। साथियों कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो आपका है वो कटक में है। और राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है साथियों, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है और कहां पर है साथियों, ये भारत का ही नहीं अभी तो पूरे विश्व का साथियों सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वो कहां पर है, क्या नाम है उसका, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। साथियों अब ओडिशा के बारे में जानते हैं, ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ओडिशा का प्राचीन नाम साथियों कलिंग है। साथियों कलिंग पर अशोक, साथियों अशोक जो मौर्य वंश के शासक थे, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, यह बताना है कमेंट बॉक्स में। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था उस समय कलिंग ओडिशा, कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली साथियों थी। ओडिशा की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है। ओडिशा के गवर्नर कौन है, रघुवर दास साथियों। साथियों ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला साथियों बाल विवाह मुक्त जिला बना है भारत का पहला, और यह ओडिशा में स्थित है गंजम जिला। ओडिशा में साथियों बाली यात्रा मनाया जाता है, नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, चंदन यात्रा मनाया जाता है, और रज महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो ओडिशा में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन साथियों राउरकेला में किया गया है जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद। साथियों हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है। चिल्का अभ्यारण ओडिशा में है, सिंपलीपाल अभ्यारण ओडिशा में है, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण ओडिशा में है, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण किस राज्य में है, तो ओडिशा में है साथियों। बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण ओडिशा में है, नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण ओडिशा में है, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है, करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, ओडिशा में साथी। गहिरमठ, भितरी कनिका, वैसीपल्ली, बद्रमा, नंदकानन, सप्तकोशिया और करलापट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो ओडिशा में है साथी। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था, पहला किया था अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, एलेक्सी लेनेवो। दूसरा मैंने किया था माउंट बलवाला पर्वत किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में साथियों है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, एंटोनियो एल्बनीज साथियों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है साथियों वर्तमान में। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा साथियों या नाथुला पास किस राज्य में स्थित है, और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।